नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल फिजिक्स पर। आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको हर टॉपिक के बेस्ट क्वेश्चन जो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से वो मिलने वाले हैं, इसलिए फटाफट आप क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक, और शेयर जरूर करें, क्योंकि कर वाला तो वो वाला। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, वर्क पावर एनर्जी का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे कि अ हैवी फ्लेक्सिबल यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ दे रखी है पाई आर। ठीक है, पाई आर का मतलब है कि ये जो आपकी लेंथ होगी है ना, ये सेमी सर्कुलर है, तो सेमी सर्कुलर की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, पाई आर। इसकी रेडियस कितनी है, आर। ठीक, माप दे रखा है लैम्डा पाई आर, मतलब ये डेंसिटी की फॉर्मेट में दिया है कि इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, लैम्डा है। तो टोटल मास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका लैम्डा पाई आर। क्लियर। आगे बोला गया कि सर्कुलर ट्यूब ए बी दे रखा है ऑफ रेडियस स्मॉल आर दे रखा है, एज्यूमिंग और स्लाइड डिस्टरबेंस टू स्टार्ट द चेन इन मोशन, है ना। अब यहाँ पे हल्का सा मान लो कि डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से ये जो चेन है ये एक तरफ स्लाइड करना शुरू कर देता है। ठीक, तो फाइंड द वेलोसिटी वी विथ व्हिच इट विल इमर्ज फ्रॉम द एंड ऑफ द ट्यूब, जब ये इस ट्यूब के इस पोर्शन से बाहर निकलेगा। ठीक, तब इसकी क्या वेलोसिटी होगी हमको ये देखना है। ठीक है, तो इसके वेलोसिटी किसके निकालेंगे अपन, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी जब ये यहाँ से रिलीज होगा, तो जो टोटल लेंथ है वो पाई आर है। टोटल लेंथ कितनी है भाई इसकी, टोटल लेंथ है पाई आर। ठीक, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, पाई आर बाई टू, है ना। तो ये पोजीशन होगी इसके सेंटर ऑफ मास की, यूनिफॉर्म है इसलिए जो इसका लेंथ का सेंटर होगा वहीं पर क्या होगा आपका, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन बोल सकते हो आप। ठीक है, अब ये पहले इसका जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन थी वो कहां पर थी, 2r / पाई। अगर आपने इससे पहले सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस के वीडियोस नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखा है और आप उसमें रोटेशन के उसमें भी मैंने उसमें लिंक किया हुआ है, क्वेश्चंस डाले हैं, तो आप फटाफट देखें। वहां पर आपको रिंग का, डिस्क का, हेमिस्फीयर का, होलो, सॉलिड, कोन का, रोड का, हर तरह की चीज का मैंने वहां पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल रखी है। ठीक है, तो एक बार जरूर वो जाके चेक करें। तो यहाँ पर रिंग के लिए कितना हो जाता है बेटा, 2r / पाई। ये कैसे आता है, वहां पर प्रूफ है 2r / पाई की वैल्यू, है ना। तो ये टोटल चेंज कितना आया इसमें, अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो जो चेंज की वैल्यू होगी वो कितना है कि भाई पहले यहाँ था अब यहाँ आया, तो इन दोनों को क्या करेंगे अपन, ऐड कर देंगे। तो 2r / पाई प्लस पाई आर बाई टू, ठीक है, ये आपका चेंज आया। ठीक, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी है इतना जो चेंज है। ठीक, कैसे निकालेंगे भाई यहाँ पर, कि मान लो कि इसका जो मास है वो एम ही मैंने लिया, तो एम जी और एच की बात करेंगे तो एच आएगा आपका 2r / पाई प्लस पाई आर बाई टू। ठीक है, अब यही जो वर्क डन बाय ग्रेविटी हुआ, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा आपका। तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी की हाफ एम वी स्क्वायर, एम एम कैंसिल आउट, मतलब अगर आप इसको लैम्डा पाई आर भी लिखेंगे तब भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं अपने को फिलहाल। ठीक, तो वी के लिए अगर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ टू जी, यहाँ पर आर कॉमन कर लेते हैं तो टू जी आर, ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास 2 / पाई प्लस पाई बाई टू, 2 / पाई प्लस पाई बाई टू, ये वैल्यू आएगी अपने पास वेलोसिटी की जब ये कंप्लीटली स्लाइड हो जाएगी, कहां से, उसके एक एंड से पूरी तरीके से ये स्लाइड हो जाएगी, तब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इतनी होगी। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसलिए फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।